on Hamlet and his problem. According to T.S. Eliot, what are the functions of a good critic? So how a good critic behave? एक अच्छे क्रिटिक को कैसा होना चाहिए? एक अच्छा क्रिटिक क्या होता है? उसने बताया कि एक गुड क्रिटिक होता है और एक होता है, उसने कहा कि परफेक्ट क्रिटिक है और एक उसने बताया कि इम्परफेक्ट क्रिटिक है। यानी परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्रिटिक में फ़र्क क्या है? उसने आर्नल्ड की मिसाल ली, कहता है कि आर्नल्ड जो है वो बड़ा ड्राई किस्म का और टू मच वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में है। फिर उसने बताया कि कहता है एक और क्रिटिक है, उसका नाम उसने बताया, कहता है कि जो साइमन है, साइमन जो है वो सब्जेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनिस्टिक और सब्जेक्टिव क्रिटिक है। वाइल एरिस्टोटल इज अ परफेक्ट क्रिटिक, कहता है एरिस्टोटल ने क्रिटिसिज्म को साइंस के दर्जे पर ले गया, तो वी कैन कॉल एरिस्टोटल एज अ परफेक्ट क्रिटिक। हाउ इज अ परफेक्ट क्रिटिक? ही हैज टोल्ड, ही इज द फादर ऑफ यू कैन से फिलासफी, वेस्टर्न फिलासफी, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड हाउ ही हैज टेकन दिस स्टेटस? ही हैज टेकन दिस स्टेटस बिकॉज ही हैज टेकन दिस फील्ड स्पेशली क्रिटिसिज्म अप टू द लेवल ऑफ द साइंस। वो साइंस के लेवल पर उसको ले गया। उसने बताया कि आर्ट जो है वो मेयर एक इमिटेशन नहीं है, बल्कि वो एक रिक्रिएटिव प्रोसेस है। एक पोएट जब एक पोएम लिखता है तो वो मेयर वो एक चीज़ को, यानी जो मौजूद है वर्ल्ड में उसको ही कॉपी नहीं कर रहा होता, या जो उसके सामने फैक्ट्स होते हैं उसे कॉपी नहीं कर रहा होता, वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसकी राइमिंग और उसका पैटर्न और उसके अंदर जो रिदम क्रिएट करता है, इट्स हिज क्रिएटिविटी। सो इट्स हीज नॉट मेयर कॉपिंग। एंड द मेन फंक्शन ऑफ आर्ट इज नॉट व्हाट इज एंड व्हाट वाज। एक आर्ट का मेन फंक्शन ये नहीं होता कि वो आपको बता दे कि पास में क्या था और मौजूदा क्या है। रादर इट टेल्स यू व्हाट ऑट टू बी, बल्कि वो आपको ये भी बताता है कि आइडियल सिचुएशन में कोई चीज़ कैसी होनी चाहिए। यानी वो पोइट्री को उसने एक लेवल दिया, उसने कहा जी वो एक परफेक्ट क्रिटिक है। फिर उसने दूसरा लेवल, यानी मैं बता रहा हूँ कि एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए, ये एक असाइनमेंट है हमारी, तो मैं जस्ट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो छोटी सी असाइनमेंट है, वो सुन लीजिए, उसके बाद आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद है। यानी एक क्रिटिक को, एक होता है परफेक्ट क्रिटिक और एक होता है इम्परफेक्ट क्रिटिक। परफेक्ट क्रिटिक वो होता है कि जो हर तरह से थॉरली परफेक्ट हो, वो थॉट, इमोशंस और हर चीज़ को, जैसे कि एक कैटलिस्ट का माइंड होता है तो एक कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करता है, उसमें सारी इमोशन, पैशन, फीलिंग्स इकट्ठी होती हैं और उससे वो बेस्ट चीज़ जो है वो रिफॉर्म्ड करके निकालता है, क्रूड नहीं देता रोमांटिक पोइट्स की तरह या क्लासिकल पोइट की तरह, वो ऐसे नहीं करता, बल्कि वो बड़े परफेक्ट अंदाज से यूज़ करता है एक क्रिटिक। और कहता है कि एक लेमैन का माइंड और एक पोएट और क्रिटिक का जो माइंड होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। यानी एक लेमैन जो है वो क्रूड थॉट दे देता है, जैसी भी हो वैसी बात कर देता है, बट गुड क्रिटिक ही नोज एवरीथिंग, ही हिज माइंड अबव द लेमैन, अबव होता है वो लेमैन से, आम लोगों से, तो देयरफॉर ही गिव्स सिस्टमैटिक थॉट। तो वो एक सिस्टमैटिक थॉट देता है, वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जानता है और वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और उस पर ना तो सरकमस्टांसिस, ना सिचुएशन और ना सराउंडिंग और ना उसकी पर्सनल फीलिंग उस पर अफेक्ट करती हैं, वो बिल्कुल एक कैटलिस्ट, जैसे उसने हमें पहले बताया था साइंटिफिक केमिस्ट्री की टर्म से, तो बिल्कुल वैसा फंक्शन करता है। पहली बात यह है कि एक पोएट को कहता है, फिर दूसरी बात वो कहता है कि पोएट को इमोशनल नहीं होना चाहिए, अगर वो इमोशनल है तो वो अपनी इमोशन लिख देगा। Like lot of poets, they are emotional enough, they are passionate enough, they started writing their own poetry. It looks as if they are writing their biography. तो हमें फिर वो कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं। We are poet, we are not biographer. हम बायोग्राफर नहीं है कि बायोग्राफी लिख दें। कहता है कि एक पोएट को चाहिए कि वो रिफाइंड थाट दे, ना कि क्रूड थाट देता रहे। क्रूड मीन कि जो रिफाइंड नहीं है उसको क्रूड कहते हैं। तो इमोशनल नहीं होता, और एक पोएट, उसने कहा, फिर वैग नहीं होता, अपने आइडिया में क्लियर होता है। पोएट गिव्स क्लियर थॉट, यानी आप एक पोएम पढ़ रहे हैं तो पोएम के अंदर कोहिजन होनी चाहिए और पोएम जो है एक खास टॉपिक को रिफ्लेक्ट करती हो, बताती हो।
मिसाल के तौर पर हम इसी क्रिटिसिज्म के अंदर ये भी सीखेंगे कि एक पोएट को एक पोएम को एनालाइज कैसे करना है। उसमें हम देखेंगे सिंटैक्टिक लेवल क्या होता है, ग्रेफोलॉजिकल लेवल क्या होता है, ठीक है, फोनोलॉजिकल लेवल क्या होता है, और वेलकम। तो इस तरह सारे लेवल पे हम उस पोएम का एनालिसिस करेंगे। मिस्टर ब्लिनी का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो सुन लीजिएगा, मिस्टर ब्लिनी की जो पोएम है। तो वो कहता है जी पोएट को इमोशनल नहीं होना चाहिए, इम्प्रेशनिस्टिक ना हो, वो इम्प्रेशन ना दे कोई, कि वो खास कोई ओपिनियन ना बताए, यानी ओपिनियन और फैंसी में इन्वॉल्व ना हो। उसने कहा कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज जैसे जो पोएट हैं वो फैंसी और इमेजिनेशन में लोगों को, उन्होंने दूसरों को उलझाए रखा, लेकिन वो सारी उनकी अपनी थॉट्स थी। एक क्रिटिक को ऐसे नहीं होना चाहिए। टीएस एलियट फिर कहता है कि एक पोएट को अपने अंदर, ये तीसरा पॉइंट है, वही आपकी जो असाइनमेंट है, नाम है असाइनमेंट का क्वालिफिकेशन ऑफ द क्रिटिक, यानी क्रिटिक की क्वालिफिकेशन के अंदर उसने बताया कि एक क्रिटिक को ही मस्ट डिवेलप सेंस ऑफ फैक्ट। अब सेंस ऑफ फैक्ट क्या है, कि पोएट को, एक अच्छे क्रिटिक को पोएट को क्रिटिसाइज नहीं करना, उसने पोएट्री को क्रिटिसाइज करना। एक पोएट और उसका लिखा हुआ वर्क, जब उसने पोएट्री कर दी तो वो उससे आइसोलेट हो गया, वो एक आर्ट का हिस्सा बन गया। तो यू आर गोइंग टू सी पोएट्री रादर देन पोएट। अब सेंस ऑफ फैक्ट कैसे डेवलप करेगा पोएट, कहता ही मस्ट लर्न दैट। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बता दें कि मैंने मीमिंग नहीं हो रही। हम कर रहे हैं हैमलेट, इलियट्स व्यू ऑन हैमलेट, और ये हमारी मेन असाइनमेंट है। इसके बाद, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ क्रिटिक्स क्या है। ये छोटी छोटी असाइनमेंट है आपकी, दो हैं, दोनों मिलती जुलती हैं, तो मैं उनमें कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। उसमें मैंने पहला पॉइंट ये बताया है कि एक क्रिटिक को कैसा क्रिटिक होना चाहिए, यानी क्रिटिक के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि क्रिटिक को एक परफेक्ट क्रिटिक होना चाहिए, ना उसे इम्परफेक्ट क्रिटिक नहीं होना चाहिए। फिर उसने मसाले दिए हैं, उसने कहा कि जैसे साइमन है, साइमन एक क्रिटिक था तो वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव था, इम्प्रेशन बहुत देता था, पता चलता था कि सब्जेक्टिव अप्रोच पे काम कर रहा है। उसने कहा कि आर्नल्ड जो क्रिटिक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिविटी की तरफ चला जाता है। यानी एक पोएट को एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, जो उसे अपनी से पहले बताई थी, एक अच्छे जो उसने पहले अपना बताया था कि कैटलिस्ट की तरह एक पोएट को होना चाहिए, यानी वो परफेक्ट होता है। काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें, आपने सबको डिस्टर्ब कर दिया। Thank you.